तो दोस्तों अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, कहते हैं कि एशिया की ये सबसे बड़ी ग्लास की मस्जिद है। इस जो मस्जिद की कैपेसिटी है, यहाँ पे 2000 लोग एक बार में बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। तो स्पेशली लेडीज लोगों के लिए है कि लेडीज लोग उधर आके नमाज वगैरह पढ़ सकती हैं। तो ये है दोस्तों मस्जिद का बाहर से व्यू, आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं जा रहा था अभी एशिया की सबसे बड़े ग्लास के मस्जिद में, और रास्ते में काफ़ी बारिश हो रही है, तो मतलब बारिश तो होना ही। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम हैं मेघालय में, आप जानते हैं मेघालय का मतलब होता है मेघा, मतलब बादल, मेघा रे मेघा, आपने गाना सुन ही रखा होगा। तो आलय, आलय मीन्स में भी शायद होता है घर। तो दोस्तों जैसा कि बादलों का घर है तो बारिश तो होना ही है भाई। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ वैसे अभी बरसात का मौसम है, और वो लोग कहते हैं कि कभी भी यहाँ बारिश हो जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो पुलिस बाज़ार से करीबन दोस्तों 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ती है ये मस्जिद। आप आराम से बाई वॉकिंग जा सकते हैं घूमते हुए इस सिटी को देखते हुए। वैसे मैं तो पैदल ही जाने वाला हूँ, और आप चाहे तो टैक्सी मिल जाती है, लेकिन मैं तो कहूँगा यार पैदल ही जाओ, 1.5 किलोमीटर डजेंट मैटर, ये छोटा सा डिस्टेंस है। और हाँ, लेकिन ये मस्जिद ना बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों हम चलते हैं मस्जिद के पास, और वहीं पे आपको वहाँ का व्यूज़ वगैरह दिखाते हैं, और मिलते हैं मस्जिद के पास। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, केम छो, आप सभी कैसे हैं। तो दोस्तों अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, कहते हैं कि एशिया की ये सबसे बड़ी ग्लास की मस्जिद है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, ये है मस्जिद का एंट्री दरवाज़ा, मतलब बोले दोस्तों तो आप फ्रंट से यहीं से एंट्री करेंगे। तो हम आपको अंदर भी चल के दिखाते हैं मस्जिद के बारे में, और अंदर से इसकी खूबसूरती को भी देखते हैं। तो ये है दोस्तों वो एंट्री द्वार जहाँ से हम अभी चलने वाले हैं अंदर। अंदर चलने से पहले सबसे पहले हम रिमूव करते हैं अपने शूज को, और ये है दोस्तों मस्जिद का डोनेशन बॉक्स। अगर आप कुछ डोनेट वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डोनेट करके और मस्जिद के अंदर जाके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और वैसे लोग बताते हैं इस जो मस्जिद की कैपेसिटी है, यहाँ पे 2000 लोग एक बार में बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी है दोस्तों, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और तो हम शूज उतारते हैं और चलते हैं सबसे पहले मस्जिद के अंदर। फिलहाल दोस्तों अभी हम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं करना है, शांति से। वैसे भी दोस्तों अगर आप मस्जिद के अंदर आते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको मस्जिद का अंदर से व्यू दिखा देता हूँ। वैसे ये मस्जिद जो है 4 मंजिल की बनी हुई है, और यहाँ पर जो ये खूबसूरती है कि सारे पिलर्स पे दिए गए हैं, और उसके बाद जो दोस्तों इसका मीनार वगैरह जो बना हुआ है, वो ग्लास का जो बना हुआ है, दिखने में इतना लाजवाब, इतना खूबसूरत लगता है मेरे भाइयों कि पूछो मत। और आज का दिन शायद मेरा काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि जो मैं इतनी खूबसूरत सी मस्जिद में विजिट किया हूँ, और रात का जो इसका नज़ारा होता है वो कुछ और ही लाजवाब हो जाता है। अगर हमको टाइम मिला, मौका मिला, तो हम यहाँ रात को भी आएंगे, और उस रात के जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं उनको भी कैद करेंगे। तो दोस्तों अभी हम मस्जिद के अंदर बैठे थे, अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं, तो अभी नमाज का टाइम भी नहीं हुआ है, अभी कोई दिख भी नहीं रहा है,
मतलब अभी पूरी की पूरी मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ मैं बैठा हूँ। और ये खूबसूरत मस्जिद का एक बार आप नज़ारा देख लीजिए अंदर से। अभी हम चलते हैं बाहर से भी देखते हैं चारों तरफ से। ये हम जहाँ पे हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, मतलब सबसे नीचे का पोर्शन है, और ये चार फ्लोर का है। तो 1, 2, 3, 4 तो हम चलते हैं अभी, अगर मौका मिलता है तो हम चारों फ्लोर को विजिट करते हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं यहाँ का ग्राउंड फ्लोर। ये रही दोस्तों पूरी की पूरी मस्जिद। ये है दोस्तों चारों तरफ से खूबसूरत सी मस्जिद। और उधर का जो पोर्शन है दोस्तों स्पेशली लेडीज लोगों के लिए है कि लेडीज लोग उधर आके नमाज वगैरह पढ़ सकती हैं। और इधर है दोस्तों पेश इमाम का दोस्तों मेहराब, जहाँ पे पेश इमाम बैठ के नमाज वगैरह पढ़ाते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ और यहाँ के चारों तरफ से नज़ारे को देखते हैं, इस मस्जिद की खूबसूरती को देखते हैं जो देखने में बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत है। तो फाइनली दोस्तों ये जो मस्जिद है वाकई देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ से हम आपको एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। उधर से हम आए हैं, वो जो सामने का पोर्शन दिख रहा है वो एंट्री गेट था। इधर दोस्तों सामने खूबसूरत सी मस्जिद है और उधर वो क्या चीज़ है मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे अगर हमें कोई मिलता है तो हम उससे बातें करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है तो हम किससे बातें करेंगे। लेकिन जो भी है फ़िलहाल ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है और जो कि पूरी तरीके से ग्लास से बनी हुई मस्जिद है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सी मस्जिद। और लोग कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक जो यहाँ की एक और सबसे खूबसूरत मैं बात आपको बताना चाहूँ, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4% है और ये एशिया की सबसे बड़ी ग्लास की मस्जिद है और इंडिया की दोस्तों ये पहली ग्लास की मस्जिद है, ऐसा अभी मैंने नेट पे देखा। तो ये है दोस्तों मस्जिद का बाहर से व्यू, आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा जो है ग्लास से बनाई गई है। और ये एंट्री दरवाजे हैं, ये देख सकते हैं ये सारे एंट्री दरवाजे भी काफ़ी खूबसूरत और लाजवाब लिखे हैं। और ऊपर दोस्तों लिखा हुआ है अरबी की आयते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, उधर दोस्तों अल्लाह लिखा हुआ है, इधर मुहम्मद लिखा हुआ है। और दोस्तों इस मस्जिद की एक ख़ास बात और मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे इस मस्जिद के द्वारा दोस्तों यहाँ पे अनाथालय भी चलाया जाता है, मतलब दोस्तों जो अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पे इस्लामी शिक्षा दी जाती है, बोलिए इस्लामी शिक्षा के साथ साथ दोस्तों उनको और तरह की भी शिक्षाएँ दी जाती हैं। और दोस्तों इस जगह की मुझे एक और अच्छी बात लगी, एक बहुत ही बड़ी दोस्तों लाइब्रेरी भी चलाई जाती है जो कि इस मस्जिद के द्वारा चलाई जाती है। और इसका सामने का दोस्तों मस्जिद का व्यू देख सकते हैं कितनी बड़ी ये मस्जिद है, बड़ी बोल जाए तो दोस्तों ये 4 फ्लोर की है। और इसकी जो मीनार लगी है दोस्तों वो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और कहते हैं कि रात में ये पूरा इतनी चमकदार और इतनी बेहतरीन ये मस्जिद हो जाती है पूछो मत। वैसे कोशिश करेंगे कि अगर हमें मौका मिला तो हम रात को भी इस मस्जिद को विजिट करेंगे। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं ऊपर का वो सीन,